नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन और करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रामजेट इंजन के बारे में, स्क्रैमजेट इंजन के बारे में, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, साथ में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और MTCR। MTCR की फुल फॉर्म होती है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। यहाँ पर हम देखेंगे, चूँकि अभी इंडिया MTCR का सदस्य बना है, तो बेसिकली MTCR की मेंबरशिप मिलने से भारत को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। साथ में इंडिया चाइना एंगल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना MTCR का मेंबर नहीं है जबकि भारत MTCR का मेंबर बन चुका है। इसको मैं NSG से भी जोड़ूंगा, तो आप देखोगे कितनी इम्पोर्टेंट इंटरलिंकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। उससे पहले आज का जो हमारा वेडनेसडे है, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, दो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। पहले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी मिसाइल सिस्टम के बारे में कवर की थी। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पर हमने 5 मेजर मिसाइल्स के बारे में डिस्कस किया था। सब लोगों को पता होना चाहिए, जिसको मैंने आपको याद भी करवाया था काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के माध्यम से। तो जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, दोनों लेक्चर्स देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, सिलेबस में आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, अभी हम डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो सिलेबस आप सब लोग देख चुके होंगे। तो सिलेबस से आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ प्रपल्शन सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। प्रपल्शन सिस्टम का मतलब होता है जो आपकी मिसाइल सिस्टम है उसमें किस प्रकार का ईंधन या किस प्रकार का फ्यूल आप वहाँ पर यूज़ करते हो। क्या सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हो, क्या लिक्विड यूज़ करते हो, या रामजेट इंजन यूज़ किया जा रहा है, स्क्रैमजेट यूज़ किया जा रहा है, तो किस टाइप का प्रपल्शन सिस्टम आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो। अब देखना, इसको याद रखना काफ़ी सिंपल है। देखो, हम अलग अलग पार्ट में इसको बांटेंगे। फर्स्ट मैं आपको बात करूंगा सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में, जहां पर आप देखोगे, जहां पर आप सॉलिड फ्यूल यूज़ करोगे। ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा और मैंने आपको बताया भी था कि कई जो सिंगल स्टेज वाली मिसाइल होती है, जनरली वहां पर सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है। जो डबल वाली मिसाइल होती है, वहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। अब देखना, अगर वो सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है या सॉलिड फ्यूल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो जनरली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एल्यूमिनियम पाउडर को सॉलिड फ्यूल के रूप में मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पर देखोगे दोनों टाइप की आपको मिसाइल्स दिखाई देगी, एक जहाँ पर सॉलिड फ्यूल यूज़ किया गया है, दूसरा जहाँ पर लिक्विड फ्यूल यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखो, जो सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाएगा और जो लिक्विड फ्यूल यूज़ किया जाएगा, उन दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, कौन सा फ्यूल बेटर रहेगा, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। आप यहाँ पर देखोगे लिक्विड फ्यूल का मतलब जो द्रव अवस्था में भरा हुआ रहेगा, और सॉलिड फ्यूल का मतलब जो सॉलिड अवस्था में होगा। साथ में यहाँ पर ऑक्सीडाइज़र भी यूज़ किया जाता है। आपने नाम सुना होगा कि ऑक्सीडाइज़र सिस्टम यूज़ किया जाता है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर का भी नाम सुना होगा। तो आप जनरली यहाँ पर क्या समझोगे, ध्यान से समझना, सॉलिड फ्यूल अगर आप मिसाइल्स में यूज़ कर रहे हो, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया, जनरली एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ किया जाता है, अमोनियम से रिलेटेड सब्सटेंसेस भी यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। अब देखो, इसका फ़ायदा क्या है, अगर सॉलिड फ्यूल आप यूज़ करते हो तो उसको स्टोरेज इजीली किया जा सकता है, साथ में उस फ्यूल को हैंडल भी काफ़ी इजीली किया जा सकता है, और सॉलिड फ्यूल के माध्यम से हाई स्पीड्स काफ़ी आसानी से रीच की जा सकती है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो सिंप्लिसिटी है, इस फ्यूल की जो सिंप्लिसिटी है, चाहे उसको स्टोरेज से रिलेटेड हो, चाहे उसको हैंडल करने से रिलेटेड हो, चाहे उसकी स्पीड से रिलेटेड हो, ये इस फ्यूल को काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस बनाती है मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, या जो लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिसाइल्स को स्पेस में लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेज है आपकी, जहां पर आप सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हो। ठीक है, फ्यूल का मतलब मैंने आपको बताया, जो आपकी ईंधन यूज़ किया जाएगा, जो आपका वहां पर फ्यूल यूज़ किया जाएगा, उसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने यूज़ किया सॉलिड फ्यूल का। अब देखो, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, जनरली बात है लिक्विड फ्यूल किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। इसका एग्जांपल है आपके हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पर जनरली यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, चाहे उनके स्टोरेज को लेकर हो। तो पहले तो मैंने क्या बताया, सॉलिड फ्यूल को स्टोर करना आसान है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है,
उनको हैंडल करना इजी है, जबकि लिक्विड फ्यूल का स्टोरेज में काफ़ी सारी दिक्कतें आपको फेस होती है, थोड़ा सा मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखोगे, जो आपका लिक्विड सिस्टम होता है, प्रिपरेशन ऑफ मिसाइल, इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल। साथ में आप देखोगे, लेकिन सॉलिड फ्यूल की सबसे बड़ी और लिक्विड फ्यूल की जो सबसे बड़ी खासियत है, मैंने आपको बताया, जो लिक्विड फ्यूल है वो काफ़ी जल्दी इम्पल्स मतलब आपने देखा होगा, जब आपने बेट और बॉल का एग्जांपल लिया होगा, तो जैसे ही आपकी बॉल बेट से टच करती है या उसका स्ट्रोक वहाँ पर होता है, उसका जो छोटा सा इम्पल्स होता है वो बॉल को काफ़ी लंबी दूरी तक भेज सकता है। तो आप देखोगे लिक्विड फ्यूल गिव्स हाई स्पेसिफिक इम्पल्स एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल से भी ज़्यादा इम्पल्स देती है पर्टिकुलर आपकी मिसाइल को, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो कुछ एडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोपोलेंट्स कैन बी यूज्ड इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल तकनीकी में किस किन किन प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो आप पहले बोलोगे सॉलिड फ्यूल सिस्टम, दूसरा बोलोगे लिक्विड फ्यूल सिस्टम या लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, तीसरा होगा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब आप डायरेक्टली समझ जाओगे, जहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों को मिक्स करोगे। आपने देखा होगा कई मिसाइल की दो स्टेज होती है, तो नीचे वाली में आप सॉलिड भरते हो, ऊपर वाली में आप क्या भर देते हो, लिक्विड फ्यूल भर देते हो। तो हाइब्रिड प्रोपल्शन का मतलब होता है जहाँ पर आप सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ यूज़ करते हो। तो आप देखोगे दी आर टू स्टेजेस इन हाइब्रिड प्रोपल्शन, सॉलिड प्रोपल्शन एंड लिक्विड प्रोपल्शन। तो सिंपल सी चीज़ है, बट ये जो सिस्टम होगा, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों के अलग अलग डिसएडवांटेज है, मैंने आपको बताया दोनों सिस्टम के अपने अपने फ़ायदे हैं तो अपनी अपनी खामियां भी है। जब दोनों को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है तो उनकी जो खामियां हैं, उनके जो डिसएडवांटेज हैं, उनको कम किया यहां पर जा सकता है। तो दिस इज़ द हाइब्रिड प्रोपल्शन। ठीक है, हम बात करेंगे रामजेट इंजन के बारे में। रामजेट इंजन से पहले आपको एक और इंजन देखना होगा जिसका नाम है टर्बोजेट इंजन, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्बोजेट एंड रामजेट। अब सिंपल है याद रखने का, टर्बोजेट के आगे क्या लग जाएगा, टी यू आर। टर्बोजेट के आगे क्या लगेगा आपका, टी यू आर। अगर टी यू आर टर्बोजेट के आगे लग रहा है तो टी यू आर से क्या होगा, टर्बाइन। मतलब टर्बोजेट के अंदर तो क्या होंगे, टर्बाइंस होंगे, जबकि रामजेट इंजन के अंदर टर्बाइंस नहीं होंगे। तो पहला डिफरेंस, रामजेट इंजन डज नॉट हैव एनी टर्बाइंस अनलाइक टर्बोजेट इंजन। अब आप बोलो सर, इसके अंदर जब टर्बाइंस ही नहीं है तो ये किस प्रकार से फ्यूल सिस्टम के लिए वर्क करेगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ये वर्क करेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सोचो ये एक एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एयर की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। जब ये एयर क्या करेगी, इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगी या इससे टकराना स्टार्ट करेगी, तो रामजेट इंजन के अंदर होता क्या है, जो इनकमिंग एयर होती है, आप देख रहे हो ये एयर जो यहाँ पर एंटर करेगी, काफ़ी स्पीड से ये एयर यहाँ पर एंटर करेगी। अब काफ़ी स्पीड से जब ये एंटर करेगी तो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर दबाया जाएगा। कंप्रेशन करने के बाद इस एयर को भेज दिया जाएगा आपके कंबशन चैम्बर में, जहाँ दहन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और वहाँ पर यूज़ किया जाएगा आपके फ्यूल सिस्टम का। तो आप देखोगे रामजेट इंजन किस प्रकार से वर्क करता है, इट अचीव्स कंप्रेशन ऑफ इनटेक एयर। इनटेक एयर मतलब अंदर जाती हुई एयर, जस्ट बाय द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ एयर व्हीकल। किसकी वजह से ये होता है, जो आपका व्हीकल है जो मूव कर रहा है उसकी वजह से। अब द फ्यूल इज इंजेक्टेड एंड इग्नाइटेड। अब फ्यूल क्या होगा, यहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा और उसका इग्निशन स्टार्ट होगा, उसकी दहन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब इससे क्या होगा, द एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस आफ्टर फ्यूल इंजेक्शन। जैसे आपने फ्यूल इसके अंदर डाला तो हॉट गैसेस क्या होगी, हॉट गैसेस एक्सपैंड होना स्टार्ट होगी, फैलना स्टार्ट होगी, और कंबशन एक्सेलरेट करेगा एग्जॉस्ट एयर टू ए वेलोसिटी हायर देन दैट इनलेट। इससे क्या होगा, जो इम्पल्स क्रिएट होना है, इम्पल्स मतलब उस व्हीकल को ऊपर भेजने के लिए दिया जाने वाला फोर्स, तो वो इम्पल्स यहाँ पर जनरेट होगा। तो ये रामजेट इंजन की वर्किंग प्रोसीजर होता है। तो कैसे समझोगे आप, सबसे पहले आपका क्या होगा, एयर एंटर करेगी, एयर एंटर करेगी, एयर को कंप्रेस करोगे, एयर को कंप्रेस करने के बाद बेसिकली आपने फ्यूल इंजेक्ट किया, हॉट गैसेस वहाँ पर एक्सपांड होना स्टार्ट होगी और कंबशन की प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, एक इम्पल्स क्रिएट होगा, जो वेलोसिटी क्या होगी, देखो क्या लिखा हुआ, एक्सलेट्स द एग्जॉस्ट एयर टू अ वेलोसिटी हायर देन दैट एट द इनलेट, और उससे
उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पल्स क्रिएट होगा। लेकिन साथ में आप देखो, हाउएवर द एयर एंटरिंग द इंजन शुड बी एट सुपरसोनिक स्पीड। अभी मैं आपको बताऊंगा रामजेट इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ। रामजेट से अब जब नेक्स्ट स्टेज पर हम जाएंगे तो इसके आगे लगा दूंगा मैं एस और सी, ये क्या बन जाएगा, स्क्रैमजेट। एस का मतलब सुपरसोनिक और सी का मतलब कम्बशन, कम्बशन का मतलब दहन। आपको पता होना चाहिए सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था अगर स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, मतलब 1 मेक से ज़्यादा हो जाती है तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, सुपरसोनिक, ठीक है। और अगर 5 मेक से ज़्यादा हो जाती है तो क्या बोल देता हूँ, हाइपरसोनिक। तो आप देखोगे सो द एरियल व्हीकल, एरियल व्हीकल जो मतलब व्हीकल हवा में है या जो कोई सा भी व्हीकल है, शायद मिसाइल है आपका, रॉकेट है, कुछ भी है, सो द एरियल व्हीकल मस्ट बी मूविंग इन सुपरसोनिक स्पीड। रामजेट इंजन्स कैन नॉट प्रपोल एन एरियल व्हीकल फ्रॉम 0 to सुपरसोनिक स्पीड। इसका एक ड्रॉबैक क्या हुआ कि रामजेट इंजन जो आपका एरियल व्हीकल है उसको सुपरसोनिक स्पीड तक नहीं ले जा सकता, इसीलिए हमें दूसरा इंजन लाना पड़ा जिसका नाम है स्क्रैमजेट इंजन, जिसको मैं बोलूँगा सुपरसोनिक कम्बशन रामजेट इंजन। अब देखना दिमाग में आपके चीज़ें क्लियर होगी, रामजेट और स्क्रैमजेट में डिफरेंस क्या होगा, ये तो हमने बात करी रामजेट की। अब देखो स्क्रैमजेट का सिंपल सा डिफरेंस यही होगा, स्क्रैमजेट में क्या होगा, सुपरसोनिक कम्बशन होगा, मतलब जो एयर एंटर करेगी वो सुपरसोनिक स्पीड होनी चाहिए, मतलब 1 मेक से ज़्यादा उसकी स्पीड होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर जो इम्पल्स क्रिएट होगा वो काफ़ी अच्छा इम्पल्स यहाँ पर क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन स्क्रैमजेट एंड रामजेट इज दैट द कम्बशन टेक्स प्लेस एट सुपरसोनिक एयर वेलोसिटीज थ्रू द इंजन। इट इज़ मैकेनिकली सिंपल बट वास्टली मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो हो गई। और यहाँ पर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है जनरली हाइड्रोजन, यहाँ पर नॉर्मली फ्यूल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो रामजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन की भी आपको वर्किंग समझ में आनी चाहिए। आप देखो यहाँ पर जो कंप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है आपका, सुपरसोनिक कंप्रेशन आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए रामजेट और स्क्रैमजेट के मॉडल के बारे में। साथ में अब देखो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन मैंने आपको कराया, फ्यूल इंजेक्शन कराने के बाद कम्बशन कराया, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर साथ में चलेगी, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा होगा जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उनकी जो अपर स्टेज होती है, अपर स्टेज पर क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया जाता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्रायोजेनिक इंजन अपर स्टेज में इसलिए यूज़ किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा जो मिलने वाला इम्पल्स होता है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी उच्च क्वालिटी का इम्पल्स होता है, इसलिए क्रायोजेनिक इंजन को मिसाइल्स की जनरली अपर स्टेज में यूज़ किया जाता है। तो आप देखोगे पहली चीज़ तो क्रायोजेनिक जो प्रोपेलेंट्स होते हैं वो किस टाइप से हम यूज़ करते हैं, आप डायग्राम भी यहाँ पर देख सकते हो। आपने देखा होगा जो GSLV Mk 3 रॉकेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी अपर स्टेज क्रायोजेनिक रखी जाती है, उसका यही रीज़न है, थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, जो पॉजिटिव पुश मिलता है उसको ऊपर पहुँचाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है बाय द क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन में पहली बात तो यहाँ पर जो प्रोपेलेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन सा है, लिक्विडफाइड गैसेज होती है, लिक्विफाइड गैसेज मतलब वो गैसेज जो द्रवित अवस्था में होती है, साथ में किस टेम्परेचर पर स्टोर होती है, स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, जिनका स्टोरेज काफ़ी लो टेम्परेचर पे किया गया हो। जनरली यहाँ पर यूज़ किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन को और आपका लिक्विड ऑक्सीजन को, दो गैसेज यहाँ पे यूज़ की जाती है, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज़र के रूप में यहाँ पर यूज़ की जाती है, किस में, क्रायोजेनिक इंजन के अंदर। और ये काफ़ी लो टेम्परेचर पर स्टोर होती है, -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास इन गैसेज को स्टोर यहाँ पर रखा जाता है। साथ में आप देखोगे जो आपके क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स होते हैं रिक्वायर स्पेशल इंसुलेटेड कंटेनर्स एंड वेंट्स विच अलाउ गैस टू एस्केप फ्रॉम द इवेपोरेटिंग लिक्विड्स, इतना आपको याद नहीं रखना जो मैंने आपको बताया है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें होगा क्या, जो आपका लिक्विड फ्यूल है जिसको मैंने बोला हाइड्रोजन यूज़ किया और ऑक्सीडाइज़र है, उसको कहाँ पर पंप किया जाएगा, स्टोरेज टैंक्स के अंदर उसको पंप किया जाएगा, उसके बाद टू एन एक्सपेंशन चैम्बर एंड इंजेक्टेड इनटू द कम्बशन चैम्बर में उनको ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनको मिक्स किया जाएगा, इग्निशन या दहन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, फ्यूल क्या होगा, एक्सपेंड होगा, जलना स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगी जो हॉट एग्जॉस्ट गैसेस थी वो उसकी नोजल से बाहर आना स्टार्ट होगी, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है आपका क्रायोजेनिक इंजन का, आप देख सकते हो पूरा का पूरा डायग्राम, जहाँ पर दिस इज द कम्बशन चैम्बर होता है, यहाँ पर आपका हीट एक्सचेंज
प्लंजर होता है, नोजल होता है नीचे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है उसको अपर स्टेज में यूज़ किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ होती है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज़ होती है, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में यहाँ पर यूज़ की जाती है। और आपने देखा होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रायोजेनिक स्टेज भारत डेवलप कर चुका है और इस पर और भी एडवांस्ड वर्किंग हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और मैंने आपको पहले भी बताया था क्रूज मिसाइल का पाथ और आपका बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ, मैंने आपको बोला था क्रूज मिसाइल में फ़ायदा क्या है, अगर टारगेट मूव भी कर रहा है तो भी ये उसको हिट कर सकती है, जबकि आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो जनरली प्रेफर की जाती है स्टेशनरी टारगेट्स के लिए। इनका पाथ भी मैंने आपको बताया था पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में, वो भी हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स, इसको सिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, सरफेस से भी लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और उसको एयर से भी लॉन्च किया जाता है। एयर से मतलब किसी एयरक्राफ्ट के जरिए, जैसे सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के जरिए इसकी टेस्टिंग की गई थी। अब देखो सबसे पहले ब्रह्मोस का नाम कहाँ से आया, ब्रह्मोस का नाम कहाँ से आया, BRAS का मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर और दूसरा MOS मतलब मोस्कवा रिवर जो आपकी कहाँ की है, रशिया की। तो ये किसका जॉइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। आप देख सकते हो ब्रह्मोस हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द DRDO ऑफ इंडिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड द फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज NPO मशीनोस्तानिया ऑफ रशिया एज ब्रह्मोस एरोस्पेस वाया एन इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से ये मिसाइल डेवलप की गई है। इसका वजन देख सकते हो, अब देखो ब्रह्मोस मिसाइल को साथ में मैं MTCR से भी लिंक करूँगा ही करूँगा, क्योंकि MTCR में जैसे ही भारत शामिल हुआ ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी ड्यू टू MTCR, अब वो रेस्ट्रिक्शंस हट गई है और हम इसकी वजह से ब्रह्मोस को और एडवांस्ड हम बना सकते हैं और उस पर काम भी चल रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। दूसरी, इट कैन बी गाइडेड टुवर्ड्स ए प्री डिटरमाइंड जो टारगेट है, चाहे वो लैंड बेस्ड टारगेट हो चाहे समुद्र के अंदर हो, उसको यहाँ से हिट किया जा सकता है। साथ में इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी स्पीड कितनी है, 2 times दैट ऑफ साउंड, मतलब Mach 2.8। अगर मैं अब आपसे पूछूँ अगर इसकी स्पीड Mach 2.8 है तो इसको आप कौन सी मिसाइल बोलोगे, आप बोलोगे सर हम इसे बोलेंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ध्यान रखना ब्रह्मोस का एक और वर्जन जो अंडर डेवलपमेंट है जिसकी स्पीड 5 Mach से ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो आप देखोगे अभी तो हम ब्रह्मोस को क्या बोल रहे हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जब इसका नया वर्जन जो अंडर डेवलपमेंट है जिसकी स्पीड 5 Mach से ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। साथ में आप देखो बिसाइड्स डिक्रीजिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ द एनिमी, एनिमी को ये रिएक्शन लेने का टाइम भी नहीं देती, बहुत कम टाइम होता है उनके पास इसको रेस्पॉन्ड करने का। साथ में हायर स्पीड्स ऑल्सो सब्सटेंशली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिसाइल गेटिंग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब अगर ये मिसाइल दागी जाती है तो इसका इंटरसेप्ट टाइम काफ़ी कम होता है क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको एनिमी के द्वारा इंटरसेप्ट करने में काफ़ी दिक्कतें होती है, तो इसको इंटरसेप्ट करना भी आसान नहीं है। ये खासियत है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की। और जब सोचो इसका जो हाइपरसोनिक वाला वर्जन आ जाएगा तो इसको इंटरसेप्ट करना न के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ब्रह्मोस मिसाइल के नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड्स बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में जानी जाती है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के कुछ फीचर्स आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आप देखोगे यहाँ पर यूनिवर्सल फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जो मैंने आपको बताया था, चाहे आप लैंड से इसको दाग सकते हो, सी से यूज़ किया जा सकता है, सबमरीन से किया जा सकता है, सरफेस से यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। साथ में ये भी क्या है, फायर एंड फोगेट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको IGMDP प्रोग्राम पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको मिसाइल पढ़ाई थी जिसके लिए मैंने यूज़ किया था फायर एंड फोगेट मिसाइल या फायर एंड फोगोट मिसाइल। तो आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है उस मिसाइल का नाम क्या था, वो किससे रिलेटेड है, IGMDP प्रोग्राम से। साथ में सुपरसोनिक बता दी मैंने आपको, स्पीड ऑल थ्रू द फ्लाइट, पूरी फ्लाइट के दौरान, पूरी जब से इसको लॉन्च किया जाता है और जब से अपने टारगेट को हिट करती है तब तक की इसकी स्पीड कैसी रहती है, सुपरसोनिक स्पीड रहेगी। लो रडार सिग्नेचर मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग फ्लाइट रेंज है, इसको ट्रेस करना आसान नहीं है, इंटरसेप्ट करना आसान नहीं है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, काफ़ी एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मिसाइल अपने आप में वर्ल्ड्स बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा आप देखोगे ब्रह्मोस का जो मैंने आपको बताया, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो वेलोसिटी है, वो भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम रेंज इसकी आप देखोगे 400 प्लस है। अभी जो हमारे पास वर्जन था वो 280 किलोमीटर के आसपास का था, बस MTCR में शामिल होने के बाद इसकी रेंज हमारी बढ़कर अराउंड 450 किलोमीटर के आसपास पहुंच गई है, ठीक है। ये हमारे लिए यहाँ पर एडवांटेज है MTCR में शामिल होने का। साथ में जो मैंने आपको बताया था कि ये जो दो रिवर्स के नाम से इसको बनाया गया था, रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है, 1998 में इसको सेटअप किया गया था, 2005 में इसका पहला वर्जन इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट किया गया था, जिसको फायर किया गया था INS राजपूत से। इसको बेसिकली ये हमारा क्या कंप्लीट करता है, मिसाइल ट्रायड। ट्रायड का मतलब जिसको तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, लैंड से भी, सी से भी और एयर से भी, ठीक है। तो सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ एयर प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रह्मोस हैज फर्दर स्ट्रेंथन टेक्टिकल क्रूज मिसाइल ट्रायड। एयर प्लेटफॉर्म मतलब हमारे किसी एयरक्राफ्ट के थ्रू भी इस मिसाइल को दागा जा सकता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। साथ में इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी, जैसे अभी आप नाम सुन रहे होंगे, ठीक है, जो हमारे राफेल विमान हैं, तो आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी अपने आप में एक अद्वितीय है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर इनक्रीज़ करती है। साथ में मैंने आपको बताया था कि अभी इसका जो रिसेंट टेस्ट हुआ था, अगेन वैलिडेटेड द शिप अटैक कैपेबिलिटी ऑफ दिस मिसाइल। साथ में मिसाइल वॉज ग्रेविटी ड्रॉप फ्रॉम द Sukhoi-30 एयरक्राफ्ट से भी इसको टेस्ट किया जा चुका है, तो ये हमारे लिए इसकी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा एनहांस यहाँ पर करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग स्पीड्स पे लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। साथ में देखो तेजस के साथ भी इसको यूज़ किया गया था, ठीक है, ब्रह्मोस ऑन तेजस, ब्रह्मोस ऑन Sukhoi-30 एयरक्राफ्ट, वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रह्मोस में ध्यान रखनी ही रखनी है, जो मैंने आपको बताई थी। आपको रेंज पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए दैट इज़ सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है। आपको ये पता होना चाहिए किन किन के मध्य कोलोब्रेशन है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया फायर एंड फोगट है, इंटरसेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। वेट वगैरह याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। प्रेजेंट कैपेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इंडिया कंप्लीट्स मिसाइल ट्रायड, आप देख सकते हो एयर से, लैंड से और सी वाटर, जो मैंने आपको तीनों बता दिया कि ये तीनों हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इंडिया जब MTCR में शामिल हुआ, उसको भी मैं ब्रह्मोस से लिंक करूँगा। MTCR का मतलब है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ठीक है। MTCR के बारे में जब हम बात करेंगे तो MTCR में भारत 35वें सदस्य बना है, 35th कंट्री है जिसको MTCR के सदस्य देश के रूप में मान्यता दी गई है। अब ध्यान से समझना, MTCR हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा, चाइना इज़ नॉट द मेंबर ऑफ MTCR, चाइना MTCR का सदस्य देश नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, चाइना ने MTCR का सदस्य बनने के लिए भारत से पहले आवेदन किया था, लेकिन अब तक चाइना को MTCR की सदस्यता नहीं मिली है। तीसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि MTCR का सदस्य बनने के लिए जितने भी MTCR की पहले मेंबर कंट्रीज़ है, उन हर मेंबर कंट्रीज़ से आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, या सबको आपके फेवर में वोट देना पड़ेगा। इसका मतलब जब भारत शामिल हुआ था उससे पहले MTCR में कितनी मेंबर कंट्रीज़ थी, 34 मेंबर कंट्रीज़ थी। तो अगर भारत को एक नए मेंबर के रूप में आना है तो 34 मेंबर का अलग अलग अप्रूवल चाहिए। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कंसेंसस बेस्ड ग्रुपिंग। ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर अगर आपको शामिल होना है तो आपको 34 मेंबर की
आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जब 34 मेंबर्स आपके फेवर में वोट देंगे तभी नई मेंबर कंट्री आ सकती है। तो सोचो, भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी धीरे धीरे काफ़ी अच्छी होती जा रही है। 34 के 34 मेंबर ने सपोर्ट किया भारत का इस टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूजन से, और भारत 35वां सदस्य बना MTCR का। लेकिन चाइना को लेकर कुछ दिक्कतें थी, स्पेशली चाइना नॉर्थ कोरिया को सप्लाई करता था मिसाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। इस वजह से सारी कंट्री चाइना के फेवर में नहीं थी कि चाइना को MTCR में सम्मिलित किया जाए। अब सोचो, अब भारत MTCR का सदस्य बन चुका है, तो अगर अब चाइना को बनना है तो उसको भारत से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। भारत जब तक चाइना के फेवर में वोट नहीं करेगा, जब तक चाइना इसका सदस्य देश नहीं बन सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। दिस इज़ द ग्लोबल डिप्लोमेसी। यही रीज़न है आप इसको NSD से भी लिंक कर सकते हो। आपने देखा होगा NSD के अंदर 48 मेंबर्स है, और बार बार चाइना बेसिकली भारत को रोक देता है NSD में आने से। अब भारत के पास भी क्या मिल चुका है, भारत अब MTCR में सम्मिलित होने से चाइना को रोक सकता है, क्योंकि भारत MTCR का फुल टाइम मेंबर बन चुका है। अब इस ग्रुप के बारे में आप देख सकते हो, ये ग्रुप 1987 में बना था। नाम से ही पता चल जाएगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। ये एक ऐसी रजीम है जो मिसाइल तकनीकी है उसको नियंत्रित करती है। क्यों नियंत्रित करती है, इसका उद्देश्य देख लो, टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड अदर अनमैंड डिलीवरी सिस्टम्स, लाइक आपके ड्रोन्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके अनमैंड एरियल व्हीकल्स हो सकते हैं, जिसको आप UAV के नाम से जानते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी सिस्टम्स से उनको कंट्रोल में लाने का प्रयास ये करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 35 मेंबर्स है, ध्यान से समझना, विच इंक्लूड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स की मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स। इन 35 मेंबर्स के अंदर वो सारे मेंबर्स है जो मिसाइल के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इन लोगों के माध्यम से जो मिसाइल की तकनीकी है उसको पूरे वर्ल्ड में फैलने से रोकना है। तो ध्यान से समझना, 35 मेंबर्स से विच इंक्लूड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स की मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स टू रेस्ट्रिक्ट दियर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ताकि ये जो 35 मेंबर्स है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हब माने जाते हैं, ये अपनी मिसाइल के एक्सपोर्ट को नियंत्रण में लाए, किसी ऐसी कंट्री के पास मिसाइल ना चली जाए जो उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो टू रिस्ट्रिक्ट दियर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग, ये ध्यान रखना दो वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 500 किलोग्राम और 300 किलोमीटर तक रेंज, ध्यान रखना। इन्होंने बोला है, MTCR क्या बोलता है, कि वो सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो किसी मिसाइल के अंदर 500 किलोग्राम भार को रखकर 300 किलोमीटर से ज़्यादा ले जाने में सक्षम है, उसको ये परमिशन नहीं देगा। मतलब इन्होंने लिमिट लगा दी कि एक मिसाइल सिस्टम जो 500 किलोग्राम से ज़्यादा वजन अगर 300 किलोमीटर से ज़्यादा लेकर जा रहा है, तो उसको नाम दिया इन्होंने, दिस इज़ अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रिक्शन। ये क्या कर सकता है, भारी तबाही मचा सकता है। तो उससे ज़्यादा वाली को ये परमिट नहीं करती। अब परमिट कैसे नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर 35 मेंबर्स हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि रशिया भी इसका पार्ट था, और आप देखोगे जो क्रायोजेनिक वाली स्टेज थी उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज थी वो भारत को ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी, इसी की वजह से, क्योंकि भारत MTCR का मेंबर नहीं था। तो ऐसी काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी जो लगी हुई है उन पर्टिकुलर 35 मेंबर्स पर, जो एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका क्या नहीं होगा, प्रोलीफरेशन नहीं होगा, या किन्हीं ऐसी कंट्री के पास मिसाइल्स नहीं जाएगी जो उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज कर सकते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ये किसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, वो सारी मिसाइल जो 500 किलोग्राम वजन को 300 किलोमीटर से ज़्यादा ले जाने में सक्षम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो इसकी उद्देश्य क्या है, द रजीम गोल इज़ टू लिमिट द रिस्क ऑफ प्रोलीफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसमें आपके न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, बाई कंट्रोलिंग द ट्रांसफर दैट कुड मेक ए कंट्रीब्यूशन टू डिलीवरी सिस्टम फॉर सच वेपन्स, जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भारत को MTCR में एंट्री मिली है तो उससे भारत को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, वो बेनिफिट्स मैं आपको दिखा
बता देता हूँ कि भारत को MTCR में एंट्री मिलने से क्या क्या बेनिफिट है। कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे ग्लोबल डिप्लोमेसी हमारी बढ़ेगी, चाइना फैक्टर मैंने आपको बताया, साथ में वो सारी एडवांस टेक्निक्स जो अभी तक भारत को एक्सेस नहीं हो पाती थी, भारत उनका भी यूज़ कर सकता है। मेंबर्स आप देख सकते हो उसका, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ग्रीस, आयरलैंड, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, ये सारे के सारे आपको मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे मेंबर्स से भारत 2016 में इसके अंदर सम्मिलित हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आप देख सकते हो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, उस टाइम ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। अब देखो, व्हाट इंडिया गेन फ्रॉम MTCR मेंबरशिप, भारत को क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे इसरो को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर रशिया डिनाइड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी टू इंडिया, क्यों, ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ MTCR, बट अब वो सारी की सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकेंगे, हम ब्रह्मोस की को सेल भी कर सकेंगे, ब्रह्मोस की रेंज भी हम बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पॉजिटिव फैक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में आप देखोगे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इसराइल्स एरो सेकेंड मिसाइल, जो एरो टू मिसाइल्स है इसराइल की, वो भी हम यहाँ पर प्रोक्योर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। हम सर्विलियंस ड्रोन भी हम खरीद सकते हैं, जो बड़ी बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के पास होते हैं, पहले हम नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस थी अनमैंड एरियल व्हीकल्स पर, जो आपके सर्विलियंस ड्रोन्स वगैरह होते हैं उन पर भी रेस्ट्रिक्शंस अब भारत को हट जाएगी। साथ में आप देखोगे ये हमारे लिए क्लोज़र है, मेक इन इंडिया हमारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा, हम प्रमोट करेंगे नई नई इंडिजिनस मिसाइल्स को, और साथ में हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा NSG की मेंबरशिप को लेकर, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाइना पर क्या पड़ेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर यहाँ पर इंडिया क्रिएट कर सकता है, तो चाइना और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने कवर की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आपको लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सब दोस्तों को शेयर कीजिए, फिर नई नई जो के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।